दोस्तों ये नया परचेज़ किया अभी टेस्टिंग के लिए लेके आया, इसका रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका रिव्यू करके हम पूरा आपको बताएंगे और इस ट्रैक्टर का डेमो भी, डीजल एवरेज टेस्ट भी करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और पीछे चार चार बंदे बिठाए हैं, लगभग 700 RPM ड्रॉप है क्योंकि अभी तक नया इसका इंजन। कुबोटा MU 4501 ट्रैक्टर है, टू व्हील ड्राइव, जो कि 45 HP का ट्रैक्टर है। और इसका हम टेस्टिंग करने के लिए अभी आए हैं। अभी ये ट्रैक्टर पे बैठ गए हैं, 45 HP का MU 4501 ट्रैक्टर है। ईशान भाई टेस्ट कर रहे हैं अभी इसका, ये एक नंबर लगाया है, फर्स्ट हाई में चल रहा है ट्रैक्टर। फर्स्ट हाई गियर में ट्रैक्टर यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, अभी सेटिंग नहीं है। ये फर्स्ट का हाई लगा हुआ है, ये दब गया, ये दब गया अभी। फर्स्ट के हाई में चल रहा है ट्रैक्टर, पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है। और यहाँ पे ये बहुत ही ताकत जमीन है, बहुत हार्ड मिट्टी है, इसके अंदर ये चल रहा है। पीछे कल्टीवेटर भी देख सकते हो आप, गहराई भी बहुत अच्छी ली हुई है और फर्स्ट के हाई में चल रहा है ट्रैक्टर। स्पीड बहुत ही अच्छी है। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो जल्दी से जाके सोडा ट्रैक्टर्स को आप सब्सक्राइब कर देना। ये वापस आ गया है अभी, मेट तक लेते हैं। अभी गियर चेंज किया है, लो का 3 नंबर लगाया है, लो के 3rd गियर के अंदर चल रहा है अभी ये। दोस्तों ये नया परचेज किया अभी टेस्टिंग के लिए लेके आया, इसका रिव्यू वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका रिव्यू करके हम पूरा आपको बताएंगे और इस ट्रैक्टर का डेमो भी, डीजल एवरेज टेस्ट भी करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। कुबोटा जापान दोस्तों, ये अभी हवा निकाल रहा है, ये ट्रैक्टर एजेंसी से लेके आए थे तब इसमें हवा फुल भरी हुई थी, इसलिए स्लिप मारा था व्हील। स्लिप मारने का कारण ये हवा थी, इसमें निकाल दी है और वापस ट्रैक्टर को चलने के लिए तैयार है। 45 HP का ट्रैक्टर है ये, 45 HP का ट्रैक्टर है। और ये अभी देखो इसकी परफॉर्मेंस आ गई है, वापस फुल ट्रैक्टर फुल कल्टीवेटर डाउन करके चल रहा है, फुल दाब के साथ चल रहा है, देख सकते हो। अभी स्लिप नहीं ले रहा है इतना, अभी बहुत शानदार परफॉर्मेंस आ रही है, इतनी कल्टीवेटर दब के भी बहुत शानदार चल रहा है। और पीछे चार चार बंदे बिठाए हैं, पीछे चार चार बंदे बिठाए हुए हैं। लो 3 के अंदर फुल कल्टीवेटर डाउन, अभी लो टॉप लगा लिया इसका, लो टॉप के अंदर दब रहा है ट्रैक्टर, कल्टीवेटर फुल डाउन करके। लो टॉप के अंदर अभी चल रहा है और कल्टीवेटर थोड़ी सी ऊपर उठा ली है, लेकिन पीछे बहुत ही अच्छी लग रही है। वीडियो में बने रहना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना किसान भाइयों। अभी हम नेक्स्ट इसका वीडियो कुबोटा का फार्म टैक और सोनालिका के साथ कंपेयरिंग करेंगे 9x कल्टीवेटर पे 2000 RPM करो, 2000 RPM गियर की ओर, लो टॉप में आ जाएगा। और अभी ये लो टॉप के अंदर चल रहा है, इधर देख लो आप, गियर बॉक्स लो टॉप के अंदर चल रहा है।
रवा नहीं हुआ है ट्रैक्टर और आरपीएम ड्रॉप करके चल रहा है थोड़ा बहुत। पीछे ये कल्टीवेटर पर चार चार बंदे खड़े हैं और ये लोड बहुत दे रहा है कल्टीवेटर। इस पे लोड आ रहा था, ये पूरा हल ऐसे हो रहे हैं। अभी एक दूसरे ड्राइवर आ गया है, इसे फुल दाब दे के चला रहे हैं। ट्रैक्टर दब रहा है क्योंकि अभी तक नया रवा भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कल्टीवेटर प्रॉब्लम कर रही है। जो कल्टीवेटर है ये नरम जमीन के लिए कल्टीवेटर है, यहाँ अपने यहाँ बहुत ही कड़क जमीन है, इसलिए नहीं चलती है ये। अभी बहुत ही अच्छी स्पीड, एक नंबर फर्स्ट के हाई में चल रहा है ट्रैक्टर। तो अभी अपने खेत के अंदर सोनाली का फर्स्ट के हाई में चल रहा है, अभी 45 आरएक्स और फार्म ट्रैक 45 आने वाला है। उनको भी सेम कल्टीवेटर पे लगा के इनके साथ में कंपेयर करेंगे, सेम गियर के अंदर टेस्ट करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों, और वीडियो में बने रहना। तो किसान भाई इस ट्रैक्टर को अभी दूसरे खेत में लेके आ गए हैं, जहाँ पे सोनालिका और फार्मटेक ट्रैक्टर भी आ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंपैरिजन कुबोटा का फार्मटेक और सोनालिका के साथ कल्टीवेटर में दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो जरूर आने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद मित्रों।